केसीएन में आपका स्वागत है। मैं किंग हमीद। जी मोहतरमा, मौलाना हाफिज अकमल साहब को शहीद किए 4 महीने से जायद हो गए हैं। आज खुसूसन जुमा का दिन आप अपने सारे देवरों के साथ आगे आई हैं, क्या कहना चाहती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं नाजिया, शहीद हाफिज मोहम्मद अकमल की बीवी। 4 महीने हो गए आज को कत्ल कर को, 4 महीने होगा। 4 महीने से भी हमें इंसाफ के वास्ते जब लड़ले को छही, कुछ लड़को छही, कमिश्नर सब, पुलिस वाले सब क्या बोले थे, हम इंसाफ क्या है सो दिलाती इन घर को। फिर बीच में भी हमें गए थे, क्या भी इनका ये टूको अल्ताफ है ना, इनका क्या भी, इनको अभी तक पकड़े नहीं, क्या भी नहीं ना घर को, वो बारे में पूछने के वास्ते फिर बीच बीच में जाले को छही हमें। मैं भी गई थी, फिर दूसरे जगह लेटर भी सब लिखो भाई, खाली क्या बोल रही हूँ, इन्वेस्टिगेशन कर रही हूँ, उसके बारे में अभी क्या भी मिल रहा है नहीं, हम ना वो क्या है, मिला तो डालती डालती घर को ऐसा बोल ले आते थे। फिर उस दिन घर को भी आए थे बात करने के वास्ते, मैं घर में भी ये सवाल करी अल्ताफ का, अभी क्या भी हो को नहीं ना, ये टू है सो इनो, अब तक लगा जब कुछ 2.5 महीना हो को था, इतने दिन हो गया, अभी क्या भी ये हो रहा नहीं बोलने में, इन्वेस्टिगेशन हमें कर ले को ही, बहुत ही हमें क्या है सो उनका ये करती घर को बोल लेगा थे। फिर अब देखे देखे जैसे 4 महीने हो गए, अब चार्जशीट में से नामिच निकाल डाली इनका, हमें पुलिस के ऊपर भरोसा रख ले को, अब इतना सभी हमें कर रही ना, कमिश्नर के पास भी गए, सब गए कि आप तो इंसाफ मिलता है घर को, पूरे जने भी इनके ऊपर भरोसा करके अब तक जपे सो, लेकिन क्या भी इंसाफ क्या, उल्टा उनका चार्जशीट में से नामिच निकाल देनी। एसडीपीआई के भी अब्दुल मजीद साहब भी परसों डाले ना, सब देखे रहेंगे आप, उन्होंने भी इंसाफ के वास्ते लड़ रही, हमें भी हमारे देवरा जेटा सब जने भी इंसाफ के वास्ते फुल लड़ ले को ही, बोल ले को ही, क्या हो सकता है वो कर ले को ही, इसके बाद भी हमें इंसाफ नहीं मिला तो इसके ऊपर हमें क्या कदम उठाना वो भी उठाती हमने, क्या तो भी हम दे हो रहा है ना, बहुत बार हम ना ये भी हुआ इनका नाम निकालने के वास्ते, अल्ताफ का नाम निकालने के वास्ते इतने पैसे ले लेती क्या, वो ले लेती क्या, ऐसा ऐसा डीलिंग भी है हमें है ना, हरगिज भी हम ना ये पैसे अंकी, ये घर अंकी, इसकी सब क्या भी जरूरत में है, हमारे शोहर को वापस लाको देने का होता है क्या, कितने तभी रुपया जान दे, मेरे बच्चे का यतीम का बन जाता है क्या, मेरा बेवा का बन जाता है क्या, इंसाफ होना सगर को, हमें इंसाफ के वास्ते लड़ने को ही, हमें इंसाफ नहीं मिल रहा था, किसे पूछना आखिर हमें इंसाफ, उल्टा खातिल को और भी है ना उनका ये कर रही, हाँ हाँ वीडियो आ रही है आप भी देखते रहेंगे, हरण डाले ये डाले उनकी सीट मिली है वो घर को खाली उल्टा, ऐसे न्यूज ऐसा वीडियो ये सब आले को है, इंसाफ तो क्या भी हमने किसके पास जाकर पूछना, हमें सब कोशिश तो पूरे जने भी भाया सब जने मिलकर कोशिश कर रही, अब तक लगा हमने 4 महीने हो गए इंसाफ अब तक नहीं मिला, अब इसके बाद भी है ना कहाँ इंसाफ मिलता है, कहाँ तक जाना हमें जाने के वास्ते तैयार ही, इंसाफ नहीं मिला तो। मोहतरमा पहले दिन से जब आप एफआईआर करे उस दिन से ये टू में अल्ताफ का नाम है, हाँ ये टू में अल्ताफ का नाम है, नहीं हमें कभी भी निकाल को नहीं, कुछ भी रद्द बदल कर को नहीं, करते भी नहीं, हमारा दम बाकी रहता लगा, हमें ना पैसे हमको बिकते ना हमें उसका नाम निकालना चाहते, नाम निकालना तो ना हमारे शोहर को लाको हमारे सामने खड़ा ना, जब भी उनका नाम हमें निकालना सुस्ती जब। अच्छा अभी पुलिस की जानिब से जो है जो भी कार्रवाई हुई, जो भी कत्ल करे उनसे भी अंदर उस हिसाब से कानून जो है अपनी तरफ ये काम कर रहा है, वो भी जो है हमारा मालूम हो रहा है, तो दूसरी तरफ आप अपील कर रहे हैं ये टू जो है उसे किसी तरह से सलाखों के पीछे लगाना, ये आपकी इल्तिजा है या मांग है? हमारी ये मांग है सो, और हम ना पुलिस के ऊपर क्या है तो सुन रही, कुछ पैसे के वास्ते पूरे बड़े बड़े आदमिया ही, क्या पैसे की डील पुलिस में हो रही है क्या नहीं हो रही है वो अल्लाह जानने वाला, उसमें अब तक लगाने तो 4 महीने से अब तक इनका नाम नहीं ला सकते थे क्या, अब तक नहीं लेना अगर को हमने पुलिस के ऊपर भी ये 600 अब तक लगा नहीं पकड़े ना इन्हों 4 महीने हो को, काम पैसे का क्या ये कर ले को इन्हों इंसाफ नहीं दिला रही की हमना, अगर को हमने पुलिस के ऊपर भी एक गुमान है, मैं सामने जो बोली भी अब तक लगा तुम्हें ऐसा क्या भी नाम नहीं है करे ना, तुम्हारा काम ना ऐसा भी मन जाए उन्होंने बोले तुम्हारे कहते भी सबूत रहा तो लाको दियो घर को, एक दिन पहले का वो अल्ताफ का जो वीडियो बना को ही वो सबूत है ना, इतना काफी नहीं क्या, और इन्होंने दूसरे के हाथ से बोल को भी भेज रही हाँ मैं इतने पैसे दे तू इतने पैसे दे तू मेरा नाम निकाल डालो करके, ऐसा भी सबूत बस नहीं क्या, और क्या सबूत होना तुम्हारा काम ना ये सभी इन्वेस्टिगेशन करने का, क्यों घर को उन बात को है ना जवाब ही नहीं है उनके पास। आप कितनी मरतबा कमिश्नर साहब से मिले? एक बार मिले, उन्होंने घर को भी एक बार आए थे ना, घर में एक बार बात हुई, फिर वहां जाको 102 बार जाको हूँ, तो उन्होंने हमने क्या बोला नहीं तुम्हें इंसाफ मिलता है जरूर है, हमें है ना पूरा ये कर ले को ही,
तो मैं एलसी से भी गए वहां हिना ऑफिसर, उनको जाकर बात करो हिंगर को वहां से वहां को भेजे। फिर वहां भी हमें जाकर वो बोले उन्होंने पूरा सुन को है ना अभी है हमें इसके बारे में पूरा कर ले को ही इन्वेस्टिगेशन मिलते ही क्या है सो हमें करती। खाली अतिस तसल्ली बोल रही सुनो मिला ये वो नहीं, वो तसल्ली बोल रहे को थे अब है ना चार्जशीट में से नाम निकल गया। ये कब मालूम हुआ आपको चार्जशीट में नाम निकल गया? 5-6 दिन होगा जब चार्जशीट बाहर हुई उस वक्त। हाँ अच्छा और कुछ कहना चाहती? वो हम ना होना सो इंसाफ होना हम ना ये सब पुलिस का किसके हाथ में है ये सब, ये अगर को हक हम ना हो हक के वास्ते लड़ रही सो और हमारे उन्होंने है ना क्या भी वैसा दूसरे बारे में ये वो बोले करे वैसा पुरानी दुश्मन आ गई ऐसा नहीं, हक के वास्ते बोल को उनकी जान गई है सो तो मैं सब जने भी साथ देखो हम ना इंसाफ दिलाना हम इंसाफ के वास्ते लड़ रही सो पैसे आएंगे बात बोली ना रकम रकम की बात ना हो रही हम भाया पैसे ले लिए कहते बीवी पैसे ले लिए सब है ना गलत बात ये ना भाया पैसे लगो ही ना बीवी पैसे लगो और हमें पैसे लेना 4 इंच नहीं हम ना पैसे मैं तो यहाँ तक बोली राजा का महल नहीं जन्नत का महल्ला को दिया तो भी हमने जरूरत नहीं है मेरे बच्चे के ऊपर बाप का साया गए सो महल आगा तो साया आ जाए पर क्या फिर वापस हमने हरगिज भी पैसे की जरूरत नहीं है क्यों करके मैं ऐसा अच्छे मुतोड़ जवाब देखो मेरे पास फोन भी बोलने को है मैं उनको है ना मुतोड़ जवाब देखो भेज को हूँ सो ये गलत अफवाह उठ रही है सो पैसे लिए ये सब क्या भी हमें लिए भी नहीं हमारा दम बाकी है तक हमें लेते भी नहीं हमें खाली इंसाफ को लड़ रही इंसाफ को लड़ती इंसाफ जब तक हमें नहीं मिलता हमें इंसाफ के वास्ते लड़ते छड़ते। जी मोहतरम आप जिस तरह आपकी भावना मां जो बता रही थी उसको लेकर जो है आप कितना इत्तेफाक करते हैं आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसा कि आज जो है हमारे सारे भाई और हमारी भावत जो है जो कि हमारी खलेरी बहन भी हैं सब लोगों का जमा होना एक ख़ास मकसद के तहत है। इसमें सबसे पहली बात मैं आप हजरात को ये बताना चाहता हूँ कि हाफिज़ अकमल साहब को शहीद हुए 4 महीने हो चुके हैं आज तक जो है हुकूमत से इंसाफ नहीं मिला है। जबकि हाफिज़ अकमल साहब की जब पोस्टमार्टम की जो मईत हमारे हवाले की है वहाँ जो है कमिश्नर साहब से लेकर एसीपी साहब से लेकर तमाम इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर सब के सब जो है हमें यकीन दिलाए थे कि हम लोग जो है कातिलों को बराबर पकड़कर जेल में डालेंगे और सख्त से सख्त उनको सजा देंगे और उन्होंने ये भी वादा किया था कि इसके अंदर जो भी जर्रा बराबर भी इन्वॉल्वमेंट है हम उसको जो है कड़ी से कड़ी उसकी जो है गिरफ्तारी करेंगे और उनको जो है हम किसी सूरत में उसे उनको नहीं बख्शेंगे। मगर जो है अफसोस ये है 4 महीने के अंदर अब तक जो है सबसे पहले बशीर के मैसूर बशीर जो कारपेट एक्स कारपेटर हैं जो A1 हैं उनके बेटे फैजान को अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया है जबकि चार्जशीट में यानी FIR में उनका भी नाम है। दूसरा जो है B2 जो B के अल्ताफ खान हैं वो तो खुल्लम खुल्ला अलल ऐलान जो है फिर रहे घूम रहे यहां तक कि हमारे MLA जमीर अहमद साहब जो कि मिनिस्टर हैं वो उनको अपनी कैंपेन में लेकर अपने जुलूस में रियालियों में सब लेकर के जा रहे हैं आज तक उनको नहीं गिरफ्तार किया गया। जबकि कमिश्नर साहब से हम जाकर दरखास्त किए कि A2 अल्ताफ खान को अब तक आपने क्यों गिरफ्तार नहीं किया तो उनका यही कहना था कि अल्ताफ के बारे में हमें कोई एविडेंस नहीं मिल रहा है जबकि हमने 2 एविडेंस उनके सामने रखे। एक तो अल्ताफ खान मैसूर आए सबसे बड़ी कत्ल की वजह यही है और दूसरी वजह अल्ताफ खान खुद जो है एक वीडियो बनाकर के वायरल किए कि हाफिज अकमल साहब के बारे में मौलाना आप ऐसा कोई दोबारा गलती का काम ना करें कि हम आपको माफ नहीं कर सकते। ये सरासर उनकी धमकी थी एक वार्निंग थी। उसके बाद दूसरे दिन जो है उनको शहीद कर दिया गया। इतना बड़ा एविडेंस देने के बावजूद भी आप जो है उसे गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं मालूम ये होता है कि अल्ताफ खान के पीछे एक बड़ी ताकत है वो बड़ी ताकत जो है आपके ऊपर एक दबाव बना रही है और आप उनके दबाव में आकर जो है उसको अरेस्ट नहीं कर रहे ये हमें समझ में आ रहा है। जबकि आप जो है हमें यकीन दिलाए थे कितना बड़ा ही क्यों मिनिस्टर क्यों ना हो अगर वो कत्ल के अंदर मुलविस है तो हम जरूर उसको गिरफ्तार करेंगे। दूसरी बात मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि अफसर जो फ्रूट मर्चेंट है वो और अमजद ये दोनों जो है मिलकर बाकायदा बशीर उसको जो है क्रेटा कार में लेकर बेंगलुरु के रास्ते में जब गए पहला टोल और दूसरा टोल दोनों टोलों में इन तीनों की जो है
वीडियो भी है और फोटो भी है, इसके बावजूद इनको सबूत मिलकर है बशीर को लेकर जाकर जो है हुसूर तक छोड़कर आने में इनका बड़ा हाथ है, उसके बावजूद उनको अरेस्ट नहीं कर रहे, बाकायदा उनको बुलाकर उनसे कुछ छोटा मोटा बयान लेकर उनके पास बड़ी रकम लेकर जो है उनको अरेस्ट ना करना, ये जो है हमें समझ में नहीं आ रहा है कि पुलिस क्या बाकायदा क्या उनके पास जो है पैसे लेकर जो है उनका काम कर रही है, या जो कत्ल किया गया है शहीद उसके हक में काम कर रही है। तो हमें ये सबसे बड़ा अफसोस है। और दूसरा अफसोस जो है, बहुत सारे कर्नाटक की आवाम कहती है जमीर अहमद साहब जो है हमारे रहनुमा हैं, खाइद हैं, बहुत बड़े हमदर्द हैं, मगर अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ रही है कि वो जो है मैसूर में अज्जू ब्रदर्स की बेटी की शादी में शिरकत करते हैं, मगर शहीद के घर में आकर जो है ये दो जुमले, आपके पैसे की हमें जरूरत नहीं है, आपके जो है कोई भी हाउसिंग बोर्ड में ये सीट दे दो वो सीट दे घर दे, वो हमें क्या भी जरूरत नहीं है, सिर्फ जो है बेवा है, शहीद के घर में आकर कम से कम रॉयल में आप आए थे, वहां से यहां को तकरीबन 2 या 3 किलोमीटर का फासला है, आप आकर जो है ताजियत के एक दो जुमले आपके साथ हैं, आपके शौहर को जो शहीद किया गया है कानून से जो भी होगा हम करेंगे, हम आपके साथ दो जुमले अगर कह देते तो शायद उनके हमारे दिल में जो उनकी इज्जत थी वो और बढ़ जाती, मगर उनके अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि वो जो है शहीद के घर बिल्कुल नहीं आए, शादियों में शिरकत करते हैं उनका वो हक है, मगर जो है अफसोस की बात यह है कि वो जो है शहीद के घर में भी आते, दिलासा देते, तसल्ली देते, एक जो है एक यकीन दिलाते, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि खातिल के साथ उसे अपने कैंपेन में लेकर जलसे जुलूसों में लेकर जो घूम रहे हैं, ये बड़ी ही शर्मनाक बात है। और मैं तीसरी बात यह कहना चाहता हूं कि बेंगलुरु के सारे बड़े बड़े उलमा जो है इस बात पर खामोश है, इस बात पर उनकी खामोशी क्यों है ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर जो है मैसूर में ऐसा कोई हादसा हो जाता है तो पूरे उलमा बेंगलुरु के उठकर जो है चीखते हैं, चिल्लाते हैं, यूट्यूब में, फेसबुक में, हर जगह जो है उन्हीं की फोटो नजर आती है, उन्हीं की वीडियो नजर आती है, मगर बेंगलुरु का एक हिस्सा है और बेंगलुरु में बीके अल्ताफ खान का हिस्सा है उसके बारे में बोलेंगे, जमीर अहमद कहां नाराज हो जाएंगे, ये उनके दिल में खौफ है, उनके ओहदे की उनको फिक्र है, मगर हक बात बोलने की उनको फिक्र नहीं है। मैं जो है उनसे अपील करता हूं अल्लाह के लिए अब भी जो है वो रुजू हो और जो है हाफिज अकमल साहब को जो शहीद किया गया है बड़ी बेदर्दी के साथ, बड़ी बेरहमी के साथ उनको शहीद किया गया है, उनके हक में आकर जो है चाहे वो बेंगलुरु का ही क्यों ना हो, चाहे वो अल्ताफ खान ही क्यों ना हो, जमीर अहमद ही क्यों ना हो, बोले, हक बात बोलने में किसी से डर नहीं है और हक बात बोलने में झिझकना भी नहीं है, बल्कि अल्लाह का डर खौफ रखकर जो है साफ हक बात बोलना ही उलमा का काम है। उलमा अगर हक बात छुपाएंगे और जो है अपने ओहदे की और अपने मनसब की फिक्र करते हुए खामोशी इख्तियार करेंगे तो ये आग जो है हमारे घर में लगी है, कल आपके घर में भी आग लग सकती है। तो इसलिए मैं उलमा से भी अपील करता हूं, बेंगलुरु के उलमा से सख्त जो है जमीर अहमद को ये आगाह करें कि आप जो है जब तक ये मामला हल नहीं होता बीके अल्ताफ खान को केएमडीसी चेयरमैनशिप से उनको बर्खास्त करें, और उनको बर्खास्त करते हुए जब तक ये मामला साफ नहीं हो जाता, उनका जो है क्लीन चिट उनको नहीं मिल जाती, तब तक जो है ओहदे से बर्खास्त करें और फौरन जो है उनको गिरफ्तार करने में बेंगलुरु के उलमा हमारा ताउन करें। और तीसरी बात यह है कि मैं सीएम सिद्धरामैया जी से दरख्वास्त करता हूं कि वो जो है इस मामले में पूरी तवज्जोह के साथ, अगर आप ये मामले को आगे बढ़कर अगर आप नहीं देखेंगे तो हो सकता है ये मामला जो है अमित शाह जी होम मिनिस्टर के पास भी जा सकता है, अगर हमें इंसाफ नहीं मिली तो इंशाल्लाह हम पीएम मोदी साहब के पास भी जा सकते हैं, ये हमारी मांग है। तो इसलिए जो है मैं जितने भी शहरियाने मैसूर हैं उनको एक आखिरी बात ये बोल करके अपनी बात खत्म करता हूं कि हमारे और जो खातिल हैं उनके दरमियान किसी किस्म की कोई डीलिंग नहीं हुई है। बहुत सारे शहर मैसूर के अंदर लोग मिलते हैं और पूछते हैं कि आपके और खातिलों के दरमियान जो है समझौता हो गया है, डीलिंग हो चुकी है, उनकी तरफ से 2 करोड़ आ गए, 3 करोड़ आ गए, 1 करोड़ आ गए, ये एक पैसा भी नहीं आया है, सिर्फ जो है हमारे कारपोरेट पंडू साहब की तरफ से उनकी दोस्ती में जो है जेडमार जुबेर जो है वो आकर रमजान में बगैर किसी मांग के वो खुद आए और आकर जो है टीपू टाउन में कहीं जगह है 2 से 2.5 लाख रुपए की वो जगह है, वो एक जगह दिए, उसे भी जो है बहुत सारे लोग जो है 50 लाख की जगह 50 लाख की जगह बहुत बड़ा हंगामा किए, 2 से 2.5 लाख रुपए की जगह है 50,000 रुपए होता उनके, इसके अलावा जो है और कोई ना 50 लाख की जगह है वो, ना 50 लाख का घर है
और ना किसी किस्म की कोई डीलिंग हुई है, कुछ भी नहीं हुआ है। ये सारे शहर मैसूर को मैं बताना चाहता हूँ। इंशाल्लाह आप मजबूती के साथ जिस तरीके से हाफिज अकमल साहब से बेपनाह मोहब्बत करते थे, आप सब आप हमारा ताउन करें। हम किसी किस्म की कोई डीलिंग भी नहीं करेंगे, किसी किस्म का कोई पैसा लेकर हम बिकने वाले नहीं है जब तक कि हमें इंसाफ नहीं मिलती। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ, अल्लाह पाक जो है मरहूम की बेवा बीवी और उनके बेटे के लिए जो है पूरा भरपूर जो है उनकी मदद फरमाए।